नमस्कार छात्रों, हम उस धरती की संतति है इस कविता का गायन किया है। अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताती हूँ। तो कविता में पुरुष जाति की श्रेष्ठता को बताने का प्रयास लड़कों के माध्यम से किया गया है, और जब लड़के पुरुष जाति की सिद्धता बताने का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने सर्वप्रथम उदाहरण लिया है ध्रुव का। वह ध्रुव जो एक राजा का बेटा होकर भी खुद का स्थान सिद्ध करने के लिए तपश्चर्या करता है, और खुद का स्थान सिद्ध करने पर जब हम देखते हैं कि भगवान भी उन्हें सप्तर्षि सितारों में उनका स्थान निश्चित कर देते हैं। यह सब इतना आसान नहीं होता, उसके लिए कठिन तपश्चर्या की थी, कड़ा संघर्ष किया था, और इसके बाद ही उन्हें यह सफलता हासिल हुई थी। बच्चों ने भी अपने जीवन में उसी प्रकार किसी भी हम गलत रास्ते का इस्तेमाल न करते हुए हम अपना स्थान सिद्ध करें, यह भी बताया गया है। उसी प्रकार भक्त प्रह्लाद जो एक राक्षसों के दलों में पैदा होते हुए भी उन्होंने भगवान की पूजा की, भगवान को अपने मन में स्थान दिया, और इस बात की यह पुष्टि की कि मनुष्य किसी भी कुल में किसी भी जाति में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन वह भगवान को उतना ही नजदीक होता है भगवान के पास, क्योंकि भगवान को हर एक बच्चे अपने बच्चे होते हैं। उसी प्रकार भक्त प्रह्लाद ने भी अपना स्थान निश्चित करना बहुत अहमियत दी है निश्चित करने में। उसी प्रकार हम देखते हैं कि भरत, राजा भरत था जो इतना साहसी था कि वह शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिनता था। इतना साहसी, इतना शूरवीर राजा था कि सब शत्रु उससे डरते थे, और वह हर युद्ध में जीत हासिल करना यह उसका मकसद था। उसी प्रकार जयमल और पत्ता यह भी बहुत पराक्रमी दो राजा थे, जिन्होंने जब अकबर की सेना ने उन पर उनके चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तो बड़ी ही पराक्रमता से या बड़ी ही शूरवीरता से उन्होंने उस आक्रमण को वापस किया या भेज दिया, उनका पराभव करने की कोशिश की। और यह सब पुरुष जाति के है, यह सब पुरुष है, वीर पुरुष है। यह उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर लड़के लड़कियों को बताते हैं, और तुम अब चुप रहो लड़कियों, क्योंकि तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। हम इतने शक्तिशाली है, हम इतने शूरवीर है कि हम इन सब जो लोग है, ये सब महान व्यक्ति है, इनके हम वंशज है। इसीलिए तुम घर में बैठो, चुप बैठो, जा तुम बहुत बातें मत करो, क्योंकि हम क्या है, हम तुमसे श्रेष्ठ है। यह सीना तान के सब लड़के लड़कियों को इस कव्वाली के प्रथम चरण के माध्यम से समझाते हैं। अब हम इस पद्य में आए जो कठिन शब्द है वह मैंने आपको यहाँ पर दिए है, इसका वाचन अब कीजिए। अगली तासिका में हम इसका दूसरा चरण देखेंगे। धन्यवाद।